अस्सलाम जी व्यूअर्स, तो आज मैं फूडी वाइज पे लेके आया हूँ एक नई एनर्जी ड्रिंक का रिव्यू। इसका नाम है थ्री हॉर्स, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि थ्री हॉर्स का भी जो है ना वो रिव्यू करें, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं थ्री हॉर्स। तो इसको आप चेक करते हैं कि ये कितने ml है, क्या इसकी प्राइस है, कैसा है इसका टेस्ट और ये कहाँ की प्रोडक्ट है। तो ये 330 ml की है, 330 ml इसमें जो है ना वो ड्रिंक है, सही है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है थ्री हॉर्सेस ब्रीडा एस्टेब्लिश्ड 1628, 1628 इम्पोर्टेड माल्ट बेवरेजेस, और ये क्लासिक फ्लेवर है, ठीक है। इस तरफ पे थोड़ी सी कोई अरबी लिखी हुई है, सही है, और अरबी में कुछ लिखा हुआ है, और चर्बी शेषशुदा चर्बी लहमियात और नमक की महदूद मिकदार शामिल है, बेस्ट बिफोर। और इसमें जो है थ्री हॉर्सेस ब्रूड एंड कैन इन जर्मनी, ये जर्मनी की प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जर्मनी में बनी है, सही है। और एड्रेस जो लिखा हुआ है वो हॉलैंड का लिखा हुआ है, ठीक है। हलाल है, ठीक है, ये हलाल की, मैं बेसिकली हलाल की मार्किंग चेक कर रहा था कि हलाल की मार्किंग ऊपर लगी हुई है और ये हलाल है, सही है। मतलब कि इसको आप ड्रिंक कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी बेस्ट बिफोर डेट भी लगी हुई है, सही है। और इसके अलावा लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मुझे बहुत अजीब से थोड़े से लगे हैं, तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जो है ना वो चर्बी, सैरशुदा चर्बी, लहमियात और नमक की महदूद मिकदार शामिल है, तवानाई, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी की मिकदार, सही है। और इसमें जो टोटल कैलोरी है वो 17 कैलोरी है इसमें, ठीक है, 100 ml पे 17 कैलोरी हमें मिलेगी, पर हलाल का टैग लगा हुआ है तो इसलिए इसको हम पी सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम जो है ना इनको पी सकते हैं। और चलें अब इसको जो है, इसकी प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है, 250 रुपये है, किसी भी नॉर्मल बेकरी वगैरह से मिल जाती है, सही है। तो अब इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक माल्ट बेवरेजेस क्लासिक, ठीक है, इसको आप टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट जो है ना वो बाकी ड्रिंक से डिफरेंट है। जैसे माल्ट 79 अगर किसी ने पी हो, जिसको हम जौ का पानी कहते हैं, ठीक है, तो इसका टेस्ट बिल्कुल उस तरह का है, लेकिन थोड़ा सा लाइट है वो, थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टेस्ट में डोमिनेंट होता है, उसमें जो कड़वाहट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कड़वाहट थोड़ी कम है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल जो है ना वो सेम है। माल्ट 79 अगर किसी ने पी हुई है तो वो इसका टेस्ट उसको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सेम है। तो ये 250 रुपीज़ की है, टेस्ट वाइज तो एवरेज है, आप माल्ट 79 पी सकते हैं, वो आपको 60 रुपीज़ की मिल जाएगी, और ये 250 रुपीज़ की है, ठीक है, यही काम उसने करना है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, टेस्ट वाइज मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन अगर आपको शौक है, अगर आप ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप माल्ट 79 इसकी जगह वो पिए, ठीक है। और बाकी ये है कि ये इम्पोर्टेड है, ज़ाहिर सी बात है इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आप माल्ट 79 भी ट्राई कर सकते हैं। और ये थ्री हॉर्स है, इसका जो है ना वो कड़वा टेस्ट है, सही है। और आई थिंक सो अगर ये जौ का पानी इसमें शामिल है तो ये गर्मियों में आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है, जिसमें गर्मियों में मैदे की गर्मी और दूसरी तीसरी जो है वो इससे दूर हो सकती है, ठीक है। मैं एक और सिप लेके आपको बताता हूँ।
सही है, उस जैसे टेस्ट है लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा, क्योंकि उसकी करवाहट ज्यादा है, इसकी करवाहट थोड़ी सी कम है। आपकी मर्जी है, 250 रुपीज़ का है। अगर आप ये ट्राई करना चाह रहे हैं, अगर आप MALT 79 ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।